हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स। आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है क्योंकि मैंने बनाया है घर पर नेचुरल फेस वॉश जो कि पूरी तरह नेचुरल है, साथ ही में आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगा, हर किसी को सूट करेगा, सारे स्किन टाइप को सूट करेगा और इसमें कुछ भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। आपको पता है ये कैसे किस इन्ग्रीडियंट से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मेरा सबसे मेन इन्ग्रीडियंट है फेस वॉश बेस जो कि मैंने ऑनलाइन लिया है। अगर मार्केट में मिलता है तो आप पता कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आसानी से मिल जाएगा। मैं 4 चम्मच लगभग नेचुरल फेस वॉश बेस डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम बनाना है तो कम ले सकते हैं। और इस बात का ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप फेस वॉश बेस लेते हैं उसके इन्ग्रीडियंट चेक करें, उसमें कहीं कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो पूरी तरह नेचुरल हो तो बढ़िया रहेगा। सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, आप चेक करें। सेकेंड इन्ग्रीडियंट है गुलाब जल। आप कोई सा भी गुलाब जल ले सकते हैं, यहाँ पर घर पर भी गुलाब जल बना के ले सकते हैं। गुलाब जल आप जितना चाहें डाल सकते हैं, मैं एक छोटी बोतल की क्वांटिटी रखूँगी तो मैं उस अकॉर्डिंग इसमें मिला रही हूँ। ऐसा कुछ फिक्स मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ कम कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला इन्ग्रीडियंट इतना ही होना चाहिए। तो गुलाब जल मैंने मिला लिया है। गुलाब जल के बाद मैं मिलाने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी जो सबके पास होती ही है, तो जो एकदम फाइन पेस्ट होता है ना वो आपको मिलाना है, वरना ये स्क्रब जैसा लगेगा। तो मैंने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी इसमें मिलाई है। मुल्तानी मिट्टी के बाद मेरा 4th इन्ग्रीडियंट होने वाला है रोज़ पेटल्स। गुलाब की सूखी पत्तियाँ आपको लेनी है, इससे कलर चेंज हो जाता है जो फेस वॉश हम बनाते हैं, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ जाती है, अच्छी रहती है हमारी स्किन के लिए गुलाब की पत्तियाँ। तो ये भी मैंने लगभग 2 चम्मच मिलाई हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन पे काम करता है, आपको फ्रेशनेस आएगी जब भी आप ये फेस वॉश लगाएंगे। बनाना भी आसान है और इन्ग्रीडियंट भी काफ़ी सिंपल से हैं जो आसानी से मिल जाएंगे या फिर घर पर होते ही हैं। इसके बाद मैंने एक कंटेनर लिया है, ये स्प्रे वाला कंटेनर है, आप पंप वाला भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ये भर रही हूँ, ये भर लिया है और मेरा फेस वॉश तैयार है। इसे मैं अब लगा के दिखाती हूँ आपको। वैसे ये टोनर की बोतल लग रही है, पर फेस वॉश भी इसमें अच्छे से काम करता है, पत्तियाँ फेस वॉश में ही रह जाएंगी और ये लिक्विड हमारे फेस पे आ जाएगा। तो मैंने ये जेंटली रब किया, इसमें बहुत ज़्यादा झाग नहीं है, झाग है पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। बस फिर फेस वॉश किया और आपको तभी का तभी फ्रेशनेस लगेगी, आपकी स्किन क्लियर लगेगी और रोज़ लगाएंगे तो आपकी स्किन में एक ग्लो आएगा। तो ये था हमारा बहुत ही अच्छा खासा फेस वॉश जिसे बनाना आसान है। आप इसी तरह बहुत तरह के फेस वॉश बना सकते हैं। ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी मुझे फेस के लिए काफ़ी पसंद है, जिस मुल्तानी मिट्टी इसमें मिलाई गई है तो ये मेरा काफ़ी फेवरेट सा फेस वॉश है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप घर पर ज़रूर से ये वाला फेस वॉश बनाना, आपको अच्छा लगेगा, बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आप मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे DIY वीडियोस देख सकते हैं। बाय बाय।